उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इस घोटाले की जांच शुरू हो गई है और जांच टीम ने किसी भी अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि ये भर्ती घोटाला देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हुआ है। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। उपनिबंधक अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल नीरज बेलवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जिला सहकारी बैंक देहरादून में जांच शुरू कर दी है। जांच टीम ने देहरादून में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचकर जरूरी दस्तावेज खंगाल कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के दफ्तर को सीज कर दिया था। भर्ती घोटाले पर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि ये सरकार होनहार युवाओं का हक मार रही है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। गरिमा दसौनी ने कहा कि ये पूरा मामला पहले ही सामने आ गया था, इसके बाद नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सहकारी बैंकों के प्रबंधकों ने सरकारी आदेश को ताक पर रखकर नया खेल खेला और इस भर्ती घोटाले को अंजाम दिया। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको देखते हुए जो निबंधक महोदय हैं तमाम सहकारी बैंकों के उत्तराखंड के श्री आलोक कुमार पांडे, उन्होंने इन भर्ती प्रक्रियाओं पर और नियुक्तियों पर रोक लगाने का शासनादेश जारी कर दिया था। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाई भतीजावाद अपने चरम पर है और कई सारे जो सहकारिता में जो मैनेजमेंट पोजिशंस पे लोग हैं, निदेशक लेवल के लोग हैं या क्लर्क हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार नातेदार इसमें चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। और शासनादेश के बावजूद, निबंधक महोदय के शासनादेश के बावजूद, कई लोगों पर को नौकरियों की जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया है। तो उत्तराखंड किस ओर जा रहा है? एक तरफ हमारे लंबी फहरिस्त बेरोजगारों की है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो अवसादग्रस्त नहीं होगा हमारे प्रदेश का युवा तो और क्या होगा, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर तो यहाँ नियुक्तियाँ हो ही नहीं रही हैं। यहाँ किसी के रिश्तेदार हो जाने पर लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जा रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जा रहे हैं।